Hey, hello everyone, my name is Vinay Kushwaha and you're with me on my channel Clad Easy. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती के ऊपर. जानेंगे इनसे रिलेटेड एसेंशियल्स क्या क्या हैं एंड व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं easyclad@gmail.com पे. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्लैट इजी एज वेल एज क्लैट इजी डिस्कशन. ठीक है, ये डिस्कशन चैनल है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. क्लैट इजी जो चैनल है यहाँ पे मैं रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको देता हूँ. सी ए हो गया, वो कैब हो गया, जो भी मेरे पास मॉक्स वगैरह आते रहते हैं वो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी मंथली मैगजीन भी पब्लिश करता हूँ, तो इसलिए आप इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल. मैं देखता हूँ कि मेरी कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि लाइक्स ही बहुत कम आते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को मेरे डिसलाइक कर देते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिसलाइक मत करिए, मतलब ज़बरदस्ती लाइक करिए, बट मैं ये उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट कि आपने किस वजह से डिसलाइक किया, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट. ठीक है, और कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि खास करके अभी एक हाल ही में रिक्वेस्ट आई है कि 2019 में जो पेपर हुआ क्लैट का, उसके लीगल सेक्शन का जो मैं एनालिसिस करूं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूं, तो मैं जल्दी करूंगा उसको. होपफुली नेक्स्ट वीडियो वही होगी. और एक लोग ने फ्रॉड के ऊपर कहा था एक डिटेल्ड वीडियो, तो फ्रॉड के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी. लेकिन ऐसा है ना कि अभी मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पहला लेक्चर अपलोड किया है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली फ्रॉड पे जंप नहीं कर सकता. ठीक है, मैं वन बाय वन चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चले. सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. अगर मैं बीच बीच में कट जंप करता रहूँगा तो उससे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. थैंक यू सो मच उन लोगों को जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं क्लैट इजी को. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सटॉर्शन क्या होता है. एक्सटॉर्शन मैंने थेफ्ट ऑलरेडी जो है वो कवर कर दिया, मैं यहाँ पे उसे लिंक कर दूंगा. अगर आपने थेफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यहाँ पे आई आइकॉन पे क्लिक करके आप वहां पे थेफ्ट की वीडियो देख सकते हैं. एक्सटॉर्शन हम लोग शुरू करते हैं. हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, ध्यान दीजिएगा, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन, टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी थिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इन टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी commits extortion. सिंपली यहां पे ये देखना होगा आपको extortion में कुछ essential elements होते हैं. वो क्या है कि whoever intentionally, intention के साथ puts any person in fear of an injury to that person or to any other person, मतलब कि कोई एक person है वो intentionally जो है किसी दूसरे person को फियर ऑफ इंजरी में रखता है, या तो उसी को इंजरी पहुंचाने का फियर है या तो किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाने का फियर उसको देता है वो. ठीक है, और क्या करता है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली गलत तरीके से इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, और इस तरीके से उससे वो किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवा देता है. ठीक है, अब ये जो डिलीवरी है ये जो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो खुद उसके लिए हो सकती है या किसी थर्ड पर्सन के लिए भी डिलीवरी हो सकती है. तो इस पूरे एक्ट को हम कहेंगे एक्सटॉर्शन. द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन. पहला, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अनदर. यहां पे जो हम इंजरी का फियर देते हैं वो या तो खुद उस पर्सन के लिए होती है या एनी अदर पर्सन के लिए होती है. ठीक है, सेकेंडली
dishonestly inducing the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security. वो person जिसको हमने fear में रखा है हम उसको induce करते हैं कि वो कोई एक property या कोई एक valuable thing जो है वो person को deliver करे. ठीक है, ये दोनों main essential elements होते हैं extortion के. आइए हम लोग कुछ illustrations देख लेते हैं. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. A जो है वो threaten करता है किसको, Z को, कि वो कुछ defamatory statement publish कर देगा unless Z gives him money. He does induces Z to give him money. A जो है वो Z को induce करता है कि money दे Z, A को. A has committed extortion. यहाँ पे A जो है वो extortion commit कर रहा है. क्यों? क्योंकि पहला जो essential element है वो यहाँ पे fulfill हो गया कि threaten कर रहा है. कैसा threaten? Injury. By defamation जो है वो reputation को injury है ना, तो fear to injury है. ठीक है, कि मैं defamatory statement publish कर दूंगा. अच्छा, अब आप मुझे comment में ये बताइएगा, libel जो होता है libel, ये कैसा defamatory statement होता है, और एक जो सेकंड टाइप का डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है उसका नाम क्या है, दोनों मुझे बताइएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर अ प्रॉमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनी टू ए. जेड साइंस एंड डिलीवर्स द नोट. ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन. यहां पे अब क्या है, ए जो है वो जेड के चाइल्ड को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख लेता है. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे. ठीक है, अभी आप बस समझ लीजिए कि ये मान लीजिए आप किडनैप कर लेता है. ठीक है, ए जो है वो जेड के बच्चे को किडनैप कर लेता है और जेड से कुछ मांगता है. क्या मांगता है, प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट जो होता है, आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि प्रॉमिस किया जाता है कि मैं इस पर्सन को कुछ अमाउंट दे रहा हूं. ठीक है, या देने के लिए लायबल हूं. ठीक है, तो ए जेड के बच्चे को किडनैप कर लेता है और जेड से एक प्रॉमिसरी नोट मांगता है ताकि जेड बाइंड हो जाए पे करने के लिए सर्टेन मनी टू ए. जेड ऐसा जो डॉक्यूमेंट है साइन कर देता है और डिलीवर कर देता है. A has committed extortion. दोनों essential elements जो हैं वो fulfill हो गए. पहला fear of injury और दूसरा क्या है, dishonestly induce कर रहा है जो property की delivery के लिए. Clear? फिर से देखते हैं हम लोग. A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion. यहाँ पे A जो है वो क्या करता है कि Z को grievous hurt की fear में डालता है. मतलब कि अगर Z ने जो A कहना चाह रहा है, जो काम करवाना चाह रहा है वो नहीं करेगा तो grievous hurt मतलब कि बहुत ज़्यादा hurt पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा injury जो है वो पहुंचा सकता है, ऐसा fear है. ठीक है, पहला essential पूरा हो गया. second essential क्या है, delivery of property, induce करना. अब यहाँ पे कहता है अगर Z एक document sign करके नहीं देगा तो ये जो इंजरी है ये इन्फ्लिक्ट कर दी जाएगी, ऐसा फियर है. यहाँ पे सेकंड एसेंशियल जो है वो भी कंप्लीट हो गया. मतलब यहाँ पे ए जो है वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है क्योंकि जेड अगर एक ब्लैंक पेपर में साइन करके ए को दे देगा तो वो जो साइंड पेपर है उसका कोई भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, उसे एक वैल्यूएबल थिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है. क्लियर, तो ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन. कोई अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा. अब हम लोग बात करते हैं रॉबरी के बारे में. रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और ऑफ बोथ. मतलब कि रॉबरी कुछ अलग नहीं होता है, बस ये एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट होता है, या तो एक्सटॉर्शन होता है या रॉबरी में दोनों भी हो सकते हैं. क्लियर,
द एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉबरी इज द प्रेजेंस ऑफ एमिनेंट फियर और वॉयलेंस, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फियर या वॉयलेंस जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट। अब हम लोग देखते हैं थेफ्ट कब रॉबरी हो जाता है। थेफ्ट इज रॉबरी इन द फॉलोइंग कंडीशंस, व्हेन समवन वॉलेंटरली खुद से कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन, क्या कॉज करता है या क्या कॉज करने की कोशिश करता है। पहला, डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या तो डेथ कॉज करे या तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करे या तो हर्ट कॉज करे, ठीक है, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर ऐसा कुछ है थेफ्ट करते समय तो वो थेफ्ट जो है वो हो जाएगा रॉबरी। क्लियर, थेफ्ट आपको पता है क्या होता है, आप विदाउट कंसेंट विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो है वो मूव कराते हैं, ठीक है। अब इस मूवमेंट के दौरान, इस थेफ्ट के प्रोसेस के दौरान अगर आपने डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया, तो वो जो थेफ्ट है वो थेफ्ट ना रह के अब बन जाएगा रॉबरी। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग समझ लेते हैं कुछ इलस्ट्रेशन से। ए होल्ड्स जेड डाउन, ए जो है जेड को नीचे गिरा के पकड़ लेता है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, उसकी ज्वेलरी जो है वो ले लेता है और मनी जो है वो ले लेता है, विदाउट जेड्स कंसेंट, बिना जेड की सहमति या अनुमति के। हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट, जाहिर सी बात है अगर सिर्फ हम इतना ही पढ़ें तो यहां पे भाई ए ने थेफ्ट कॉज कर दिया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट, इस थेफ्ट को करने के लिए ए हैज वॉलेंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू ए, भाई अगर आपने किसी को जबरदस्ती पकड़ के जमीन पे गिरा दिया है और पकड़ लिया है उसको, तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दिया है। मैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को और अच्छे से समझाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कैसे हुआ, लेकिन ये आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जेड ए ने जो है जेड का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट अगर आपने थेफ्ट के दौरान कॉज कर दिया तो वो थेफ्ट हो जाएगा रॉबरी, ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। अब हम देखते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, अभी मैंने एक्सटॉर्शन आपको बताया, दो एसेंशियल्स बताए, उन दोनों के साथ साथ ऐसा क्या हो जाए कि वो एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कौन कौन सी। पहला, व्हेन अ पर्सन कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अनदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वही तीन चीजें, टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन। एक्सटॉर्शन करते समय अगर हम जिस पर्सन को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं या तो उसको या तो किसी और पर्सन को जिसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट है, इंस्टेंट डेथ के फियर में रखें, इंस्टेंट हर्ट के फियर में रखें या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के फियर में रखें, ठीक है। एंड साथ ही साथ में, और ये तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, सच, यहां पे सच होगा, सर्च टाइप हो गया, सच अ पर्सन बाय सो पुटिंग अनदर इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड। अभी हमने एक्सटॉर्शन में पहले क्या देखा था कि एक्सटॉर्शन में आप डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मांगते हैं, लेकिन वहां देन एंड देयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, वहां आप बस मांगते हैं, अब वो चाहे जब मांगे। यहां पे क्या है, देन एंड देयर का कॉन्सेप्ट, मतलब तुरंत वहीं पे उसी समय मांगते हैं, ठीक है, जिस पर्सन को आपने फियर में रखा है उस पर्सन से आप प्रॉपर्टी की डिलीवरी तुरंत मांगते हैं, देन एंड देयर। एंड लास्टली, द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, जो एक्सटॉर्टर है वो क्या है, वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तब जाके एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाएगा। फिर से बता देता हूं, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट,
इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इन सब का फियर हो एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी देन एंड देयर हो एंड जो ऑफेंडर है वो उसी समय वहां पे प्रेजेंट हो, तब जाके इस तरीके का एक्सटॉर्शन जो है वो कहलाएगा रॉबरी। क्लियर? इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ए मीट्स जेड ऑन अ हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। ए जो है जेड को मिलता है रोड पे, पिस्टल शो करता है और कहता है मुझे अपना पर्स दो। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ इतना ही देखें तो भाई ये तो एक्सटॉर्शन हो गया। कैसे भाई? पर्सन को फियर में पुट किया गया है पिस्टल दिखा के और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मांगी गई है। क्लियर? अब देखिए, अब ये रॉबरी कैसे बना? जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। मैंने पहले बताया था ना, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इंस्टेंट हर्ट का यहां पे फियर है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, और वो सामने मौजूद भी है। और तीसरा क्या है, उसने देन एंड देयर प्रॉपर्टी मांगी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसने देन एंड देयर मांगी। ये तीनों मिलके अब इसको क्या बना देते हैं कि ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू फ्लिंग इट डाउन अ प्रेसिपिस अनलेस जेड डिलीवर्स हिज पर्स। जेड इन कॉन्सिक्वेंस डिलीवर्स हिज पर्स। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय कॉजिंग जेड टू बी इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट टू द चाइल्ड हु इज देयर प्रेजेंट। ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी ऑन जेड। अब देखिए यहां पे सेकंड केस में क्या हुआ, जेड और जेड के चाइल्ड हैं, ठीक है। ए आता है, जेड के चाइल्ड को पकड़ता है और कहता है मैं उसको यहां पुल से नीचे फेंक दूंगा अंटिल एंड अनलेस मुझे तुम अपना पर्स दे दो। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? क्या ये ऊपर जो मैंने कंडीशन बताई ये फुलफिल हो रही है? देखते हैं क्या यहां पे किसी तरीके का इंस्टेंट फियर है। बिल्कुल है भाई, इंस्टेंट हर्ट का फियर है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या देन एंड देयर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मांगी जा रही है? बिल्कुल, सामने खड़ा है वो कह रहा मुझे पर्स दो वरना मैं फेंक दूंगा। तीसरा, क्या इन प्रेजेंस है, ऑफेंडर जो है इज प्रेजेंट बिफोर द विक्टिम्स? बिल्कुल प्रेजेंट है, सामने ही है। ये तीनों चीजें फुलफिल हो गई। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी पर्सन को फियर में रखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जिससे डिलीवरी मांग रहे हैं उसी को फियर में रखें, हम उसके किसी नियर डियर को भी रख सकते हैं जिसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट मेरे बच्चे में भी है, मेरी वाइफ में भी है। तो अगर मेरी वाइफ को आप पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे मार दूंगा अंटिल अनलेस मैं पर्स दूं, तो यहां पे भी एक्सटॉर्शन मेरा हुआ। अच्छा, एक और मैं यहां पे डिफरेंस बताता हूं, यही चीज कैसे सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन हो सकती थी, मैं बताता हूं। जेड है, जेड का चाइल्ड है, ए जो है जेड के चाइल्ड को किडनैप करके कहीं और ले जाता है, ठीक है, कहीं और ले जाता है और वहां से फिर कॉल करता है जेड को कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, इतना इतना पैसा मुझे भिजवा दो। तब यहां पे क्या होगा, क्योंकि ऑफेंडर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जेड को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंस में नहीं है ऑफेंडर, तो इस वजह से यहां पे ये कह दिया जाता है कि ऐसा केस जो है, ये वाला जो केस जो मैं समझा रहा हूं अभी, ये फिर सिंपल केस ऑफ एक्सटॉर्शन हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 rupees। दिस इज एक्सटॉर्शन एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट रॉबरी अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। यहां पे तो लगभग कोई भी चीजें फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी एसेंशियल नहीं फॉलो हो रहा, ना तो जो एक्सटॉर्टर है ना तो वो तुरंत डिलीवरी मांग रहा है प्रॉपर्टी की, ठीक है, सामने, ना ही वो सामने प्रेजेंट है और ना ही इंस्टेंट डेथ है। यहां पे इंस्टेंट डेथ की बात नहीं हो रही है, डेथ की बात तो हो रही है, इंस्टेंट डेथ की बात नहीं हो रही। इंस्टेंट डेथ की बात तब आएगी जब
एक्सटॉर्टर खुद सामने हो, ठीक है। यहां पे क्या है कि एक्सटॉर्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा मेरी गैंग के पास है, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कब एक्सटॉर्शन सिर्फ एक्सटॉर्शन है और कब एक्सटॉर्शन रॉबरी है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डकैती। व्हेन फाइव और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन्स कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन्स प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू फाइव और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। देखिए ये बेरेक्ट की लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि हो सकता है आपको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ऐसी लैंग्वेज तो मतलब हर दूसरी लाइन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ। जब भी रॉबरी पांच या पांच से ज्यादा लोग करेंगे वो डकैती हो जाएगी, क्लियर। अब वो थेफ्ट से रॉबरी बनी हो या एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनी हो उससे मतलब नहीं है। रॉबरी अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग करेंगे तो वो डकैती हो जाएगी, क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं क्लैट इजी को। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड, और देर आर सम रिक्वेस्ट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप उनको क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।